few words. Adarani Sri Dr. MS Swaminathan Ji, Mantri Parishad ke mere saathi Sriman Radha Mohan Singh Ji, aur upasthit sabhi Mahanubhav. Jab main Gujarat mein Mukhyamantri ke nate karyabhar sambhal raha tha, तब डॉक्टर स्वामीनाथन जी से मेरा परिचय आया और उस समय हमने एक सॉइल हेल्थ कार्ड उस योजना को प्रारंभ किया था. जब उस विचार को मैं कर रहा था तो मेरे यहाँ से भी काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस रहता था कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह. लेकिन जब स्वामीनाथन जी ने पब्लिकली एक बयान दिया, शायद चेन्नई से दिया था, और ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है और इससे आगे चल करके कितना लाभ होगा, और एकदम मेरी सरकार में हमारे साथियों को जो चीज़ मैं समझा नहीं पा रहा था, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी कि नहीं नहीं भाई इसको करना है, कैसे करना है. लेकिन जैसे ही डॉक्टर स्वामीनाथन का स्टेटमेंट आया अखबार में, सारे ब्यूरोक्रेसी का मूड बदल गया. सबको लगा कह रहा है ये तो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, अब करना है. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जो तपस्या है, साधना है, इसका कितना मूल्य है वो वहां मैंने खुद ने अनुभव किया. अब तो वो योजना पूरे देश में लागू करने का हमारा प्रयास है और अब वैसे वो कहे जाते हैं कृषि वैज्ञानिक, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वो किसान वैज्ञानिक है. उनके भीतर एक किसान जिंदा है. सिर्फ लेबोरेटरी वाला कृषि प्रोडक्शन क्वालिटी, इससे ज़्यादा उनके जो पेपर्स वगैरह देखें तो भारतीय संदर्भ में है, भारत की कृषि के संदर्भ में है, भारत के किसान केंद्रीय है. ये जब चीज़ें आती हैं तो वो बहुत रिलेवेंट हो जाती हैं, वरना कभी कभार जमीन से काफ़ी ऊपर बहुत सी चीज़ें आती हैं लेकिन फिर वो बीच का गैप पूरा नहीं होता है. डॉक्टर स्वामीनाथन जी की एक विशेषता रही है कि उन्होंने जो चीज़ें जब भी प्रस्तुत की वो जमीन से जुड़ी हुई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत ही रिलेवेंट लगी और ज़्यादातर उसका उपयोग भी हुआ. आज के युवा को डॉक्टर स्वामीनाथन कैसे प्रेरणा दे सकते हैं? हमारे देश का एक प्रॉब्लम है कि राजनेताओं को सब जानते हैं, वैज्ञानिक को बहुत कम लोग जानते हैं. हर गली मोहल्ले में राजनेताओं के नाम जाने जाते हैं लेकिन इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों की पहचान हमारे यहाँ होती नहीं है. शायद व्यवस्था का दोष होगा या स्वभाव का दोष होगा, जो भी होगा, लेकिन लंबे अरसे से कमी महसूस हो रही है और उसके कारण शायद आज की युवा पीढ़ी को भी एक खिलाड़ी से इंस्पिरेशन मिल सकता होगा, एक सीने कलाकार से मिल सकता होगा, किसी राजनेता से मिल सकता होगा, किसी बड़े औद्योगिक घराने से मिल सकता होगा. लेकिन मास लेवल पे युवा को वैज्ञानिकों की तरफ ध्यान नहीं जाता होगा. आप कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक अपनी युवा अवस्था में
दुनिया की ये कल्पना कि भारत तो भूखा मरेगा, भारत तो खत्म होगा, निराशा का माहौल हो, भारत को बिल्कुल ही अब मान लिया गया कि तो गया, ऐसे समय एक युवा वैज्ञानिक संकल्प करके कहे नहीं, स्थिति बदली जा सकती है और हम बदल के रहेंगे। पूरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के मूल में एक युवा वैज्ञानिक का वो संकल्प है जो डॉक्टर स्वामीनाथन के रूप में हमारे सामने गिरा है। ये चीजें आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं है। आज के युवा के सामने भी अगर विषय आए, स्टार्टअप की दुनिया है, उनके सामने आए भाई माल न्यूट्रिशन एक चुनौती, तिलहन दलहन पल्सिस, हमारे पल्सिस में प्रोडक्टिविटी भी कम है, उसमें प्रोटीन कंटेंट वैल्यू भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये चुनौतियां आज की युवा पीढ़ी अगर मन में दम मान के चल रहे हैं, ये माल न्यूट्रिशन की अवस्था हम बदल के रहेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में इस प्रकार की चीजें लाएंगे। और महात्मा गांधी भी कहा करते थे, भूखे का भगवान तो रोटी होता है। और यही बात हम वैज्ञानिक तौर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं, मुझे कुछ चीजें व्यक्तिगत जीवन में बड़ी अपील हो जाती हैं। जैसे मैं मानता हूं शायद हिंदुस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, पहले से लेकर के मेरे तक, आपने दुनिया में देखा है किसी एक प्रधानमंत्री के पास पुरानी भी फोटो खड़ी हो तो आदमी 2 फीट ऊपर चलता है। ये इतनी सादगी, इतनी सरलता, कभी ये चीजें स्वामीनाथन जी में रिफ्लेक्ट नहीं देखी मैंने। और ये चीजें मैं किताब के आधार पर नहीं कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं गुजरात था तो ऐसे ही सिंपल वे में आते थे, मिलते थे, और जब मिलते थे तो पता भी नहीं चलता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं, पता ही नहीं चलता था जी। ये अपने आप में सार्वजनिक रूप में सफलता को पचाना कैसे, ये बहुत सीखने जैसी चीज है। एक व्यक्ति के रूप में चेहरे पर प्रसन्नता, शायद ही किसी ने उनको चेहरे पर अप्रसन्न देखा हो, वरना ज्यादातर वैज्ञानिक, मुझे माफ करना यहां बैठे हो, वो 21वीं सदी में भी ऐसे जीते हैं जैसे 18वीं शताब्दी में हो। सारी दुनिया का बोझ उनके ऊपर होता है, खोए से रहते हैं, परिवार के लोग भी परेशान रहते हैं कि बोलते क्यों नहीं है, इनके जीवन में बड़ा उल्टा है। सदा प्रसन्न चित्त, ये अपने आप में बड़ी है। और ये तब होता है कि जब जीवन की कुछ चीजों को इंटरनलाइज किया हो। दिमागी ज्ञान से संभव नहीं है, रगों में वो बातें जब दौड़ती हैं तब ये संभव होता है। और मैं मानता हूं कोई न कोई ईश्वरीय कृपा रही होगी, कोई न कोई उनकी माता पिता के संस्कारों के कारण रहा हो, ये उन्होंने अपने जीवन में पचाया है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र को लेकर के आज भी चुनौतियां वैसी की वैसी हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा होती है, लेकिन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत जैसे देश के सामने लक्ष्य है। और एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ये अगर हमारा लक्ष्य है तो हमने भारत का पोटेंशियल कहाँ है उसको पहले एक बार मैपिंग करने की आवश्यकता है।
कुछ मात्रा में होता है। अब हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा आर्थिक रूप से हमें बहुत इम्बैलेंस दिखता है। पश्चिमी भारत की आर्थिक स्थिति एक, पूर्वी भारत की आर्थिक स्थिति दूसरी। कोई भी देश ऐसे इम्बैलेंस अवस्था में लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकता है, कहीं ना कहीं तो वो लड़खड़ा जाएगा। जबकि दोनों पैरों में समान ताकत हो, दोनों हाथों में समान ताकत हो, ये आवश्यक है। अब पूर्वी हिंदुस्तान में जैसे पश्चिमी भारत ने गेहूं के द्वारा, धान के द्वारा फर्स्ट एग्रो रिवॉल्यूशन को लीड किया, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन को लीड करने की ताकत पूर्वी हिंदुस्तान के राइस में है, चावल में है। और मैं मानता हूं पानी है, जमीन है, मेहनती लोग हैं, वैज्ञानिक इंटरवेंशन की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। ये अगर हम करने में, और सरकार इन दिनों उस दिशा में काम कर रही है, डॉक्टर साहब से भी काफ़ी हम सुझाव लेते रहे। अभी पिछले दिनों भी मैं मिला तो इसी विषय पर मैंने उनसे चर्चा की कि मुझे ज़रा इसमें आप गाइड कीजिए। आज वो आए और हमारे टीम को काफ़ी पूरे दिन सुबह उनको पढ़ाया भी कि देखो भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो कोशिश ये हमारी कि भाई इस क्षेत्र में कैसे काम करें। अब ये बात सही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन बढ़ने वाली नहीं है, कम होने वाली है, तब सॉइल मैनेजमेंट ये बहुत अहम आवश्यकता बन जाती है। होलिस्टिक अप्रोच कैसे हो इसके लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स 85% है देश में। ऐसी स्थिति में हमारे किसान कम जमीन में भी ज्यादा उत्पादन और उत्पादित चीजें भी सिर्फ खुद के पेट भरने के लिए नहीं, उसकी अपनी इसकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो, ताकि क्वालिटी ऐसी हो ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। हम इस दिशा में कितना बल दे सकते हैं। उसी प्रकार से पानी का संकट, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। हम रिसाइकलिंग करें, हम वाटर कंजर्वेशन करें, सारा करने के बावजूद भी पानी एक चुनौती है, इस मान के चलना चाहिए। और पानी एक ऐसा विषय नहीं है कि जब आएगा तब देखा जाएगा, जी नहीं। अगर 20 साल 50 साल पहले सोच करके एक एक चीज को अभी से करना शुरू करेंगे तब जा करके। अब इस विषय पर समाज में वो सेंसिटिविटी तुरंत नहीं आती है। जैसे एयर पॉल्यूशन, इवन कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, इसका कितना संकट होगा समझते समझते देर चली जाती है। पानी के संकट को भी सामान्य मानवी को संकट के रूप में अनुभूति कराना बड़ा कठिन है। और इसलिए वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ हम पानी का उपयोग किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस फिलॉसफी को लेकर के काम करने का प्रयास वर्तमान में चल रहा है। नदियों को जोड़ने का एक अभियान, अगर कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग की ओर जाना है तो हमें पानी पहुंचाना पड़ेगा। उसी प्रकार से सॉइल मैनेजमेंट का ही मैं एक हिस्सा मानता हूं कि हम अनाप शनाप जो केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारी जमीन को तबाह कर रहे हैं, नदी तट पर जो खेत हैं वहां पर लोगों को लगता है कि पॉल्यूशन इंडस्ट्री से होता है। कभी कभी चिंता का विषय है कि उसके 2-4 किलोमीटर के रेंज में जो खेत है जहां केमिकल उपयोग होता है, और वो पानी बारिश के बाद जब जमीन को धोकर के नदी में जाता है तो कैसे भयंकर केमिकल लेके जाता है। और इसलिए हमारी नदियों को बचाना, नदियों के पानी को मैक्सिमम उपयोग करना, तो एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत बड़ा मिशन मोड में काम
शुरू किया है। उसी प्रकार से एक आवश्यक है हमारे यहाँ, कभी कभार कुछ न कुछ कारण से जो बोलचाल में जो विषय होते हैं उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि समाज जीवन में दशकों से सदियों से जो बोलचाल के विषय होते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और लेबोरेटरी में ले जाकर के उस बोलचाल की चीजों को सिद्ध करने का कोशिश करना चाहिए। मेरा इसलिए अनुभव है, गुजरात में एक क्षेत्र है जिसको भाल कहते हैं, समुद्री तट के पास में है, खंभात की खाड़ी के इलाके में। अब हम बचपन से सुनते आए होते भालिया गांव गेहूं, भालिया गेहूं कहते थे उसको, और अपर क्लास की जो लोग रहते थे वो भालिया गांव गेहूं खरीदना और प्रिजर्व करना ये उनका स्वभाव था, और बड़े महंगे दाम से ले लेते थे। तो हमारे मन में रहता था ये भालिया गांव इतना क्या कारण, कुछ तो होगा। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने थोड़ा उसमें रुचि लेना शुरू किया, और ये पाया गया कि नॉर्मली गेहूं कार्बन रिच होता है, सरप्राइजिंगली ये गेहूं प्रोटीन रिच है, और बहुत ही कम इलाके में है। तो मैं कभी स्विट्जरलैंड गया था तो मैं वहाँ ये नेस्ले वगैरह के लोगों को मिला था, मैंने कहा भाई न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान करने के लिए इसको कैसे उपयोग हो सकता है। फिर मेरे यहाँ मैंने एक यूनिवर्सिटी को इसका काम दिया कि उसके जीन के विषय में रिसर्च करें, काफ़ी काम हुआ है। जैसे बासमती शब्द हम जानते थे लेकिन हमने देखा बासमती की ताकत क्या है। मैं मुझे याद है अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक इलाका ऐसा है समुद्र तट से है, हर कोई अमीर व्यक्ति अगर बाजरा चाहेगा तो वहीं से खरीदना चाहता है। तो मैंने पूछा भाई, और मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो वहाँ के जो MLA थे वो मेरे लिए बाजरा एक थैले में भर के गिफ्ट के रूप में लाए थे, तब तक मुझे भी मालूम नहीं था कि उस इलाके की बाजरे की ताकत है। तो बाद में मैंने कुछ वैज्ञानिकों को काम कहा, मैंने कहा जरा इस पर सोचिए, हिंदुस्तान के कई कोने में ऐसी कोई न कोई वैरायटी की चर्चा लोक जीभ पर होगी, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसकी जेनेटिक वैल्यू क्या है, उसको हम और अगर वो सचमुच में कोई एक्स्ट्रा ताकत वाली चीज़ें हैं या उसकी प्रोडक्टिविटी की ताकत हो या कोई न कोई ऐसा शरीर के लिए उपयोगी हो, मानव जात के लिए उपयोगी है, तो उसका रिसर्च। ये परंपरागत चीज़ें और विज्ञान दोनों को मेल हम जितना जल्दी करेंगे, और इसलिए मैंने अभी हमारे विभाग के लोगों से एक बार कहा था, मैंने कहा भाई हर जिले की अपनी एक कृषि लगती पहचान क्यों ना हो, उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करें तो बड़ हो बड़ा कि ये जिला चावल का जिला है और चावल की कोई नाम हो पहचान हो, ये जिला इसबगुल का है, ये जिला जीरा पैदा करता है, हमारे इलाकों की पहचान कृषि से आइडेंटिफाई हम कैसे करें, ये हम लोगों की आदत नहीं है। इससे ये एक अवेयरनेस आती है भाई ये डिस्ट्रिक्ट। अब जैसा मुझे याद है जब हमारे यहाँ धूमल जी की सरकार थी हिमाचल में, मैं उस समय हिमाचल में रहता था, तो उस समय मैंने कहा ये सोलन में मशरूम के लिए इतना काम होता है, हम इसको कैप्चर क्यों नहीं कर पाते, उसका ब्रांडिंग क्यों नहीं करते। और आज आप देखते होंगे कभी सोलन जाएंगे तो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं कि मशरूम सिटी में आपका स्वागत है। अब धीरे धीरे शायद और उन्होंने शुरू किया है, कहीं पर एप्पल का भी बोर्ड लगाया है, कीवी का लगाया है। हमारे देश में सामान्य जन को इन चीजों से कैसे जोड़ा जा सकता है, इससे एक पहचान बनती है और वो किसान भी आइडेंटिफाई होता है, और जो मार्केट से जुड़े लोग हैं उनको भी ध्यान रखता है भाई ये 16 जिले हैं जिसकी चावल के लिए पहचान है, तो व्यापार करना है, खरीद करनी है तो उस पर जाओ। ये 20 जिले हैं तिलहन के लिए फेमस हैं, वहीं की पहचान है, और एक एग्रीकल्चर क्लस्टर का एक कंसेप्ट डेवलप होगा। जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर का कंसेप्ट है वैसे
एग्रीकल्चर क्लस्टर को हमने विकसित करना जरूरी है. उसके कारण प्रोडक्ट के साथ उसका प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन, इसकी संभावना बढ़ जाती है. अगर ये हम चेन व्यवस्था खड़ी करते हैं, उसी प्रकार से फल होंगे तो उसके स्टोरेज अलग प्रकार के होंगे, धान होंगे तो स्टोरेज अलग प्रकार होगा, फल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा, पैकेजिंग होगा, धान होगा तो पैकेजिंग अलग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक स्पेशलाइजेशन हमारे भीतर भीतर आएगा. हमारे इतने बड़े विशाल देश को अगर इन चीज़ों के अंदर हम जितना जल्दी से ले जाएंगे, हम क्योंकि हमारा सपना है 2022 जब देश की आज़ादी के 75 साल हो, हमारे देश के किसान की इनकम डबल होनी चाहिए. किसान की इनकम डबल हो सकती है. कुछ दिन पहले जब स्वामीनाथन जी से मैं मिला था तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कुछ एग्रो इकोनॉमिस्ट जो है उनसे आप बुलाइए और चर्चा कीजिए. उन्होंने मुझे एक पेपर भी लिख करके भेजा कि ये चीज़ें हैं जिस पर आप ध्यान दीजिए, तो मैं काम कर रहा हूँ उस पर. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक टारगेट के साथ काम करें. एक तो कॉस्ट कैसे कम हो, उत्पादन कैसे बढ़े और उत्पादन का वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन तीन चीजों की ओर. अब जैसे नीम कोटिंग यूरिया, अब कोई आसमान से टपका हुआ कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन हम इन चीजों को लागू करना महत्व नहीं देते थे. आज नीम कोटिंग यूरिया का परिणाम ये आया है कि यूरिया की चोरी तो खत्म हुई, बेईमानी तो खत्म हुई, लेकिन साथ साथ यूरिया की खपत भी कम हो रही है. और तुरंत नजर में आया है गेहूं और चावल के उत्पादन बढ़ा है, कम यूरिया का उपयोग करते हुए भी उत्पादन बढ़ा है. तो ये अपने आप में ऐसी चीजें हम जितनी सरलता से प्रचारित करेंगे उतना उसका लाभ होगा. भारत सरकार का इस दिशा में प्रयास है, स्वामीनाथन जी की सक्रियता, उनका ये प्रयास और भारत को एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की ओर ले जाने की दिशा में हम लोग इन वैज्ञानिक प्रयोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी एक जो हमारी समस्या है लैब टू लैंड, उसमें बहुत बड़ी खाई है. लैब टू लैंड ये हमारा टारगेट होना चाहिए. वैज्ञानिक जो जिंदगी खपा देता है एक चीज देश को देने के लिए, वो खेत तक नहीं पहुंचती है. खेत तक कैसे पहुंचे किसान, और खेत तक तब तक नहीं पहुंचती जब तक कि वो किसान के दिमाग में पहले नहीं पहुंचती. ये एक ऐसा उद्योगपति के दिमाग में कुछ हो या ना, उसको जेब में पैसा आना चाहिए, वो करेगा. किसान का ऐसा नहीं है, किसान जल्दी रिस्क नहीं लेता है. इन दिनों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई फसल बीमा योजना जो लाए हैं, उसने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. इसके पूर्व कृषि में फसल बीमा योजना में जितने लोग आते थे, इस नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण 7 गुना लोग उसके कवर में आए हैं. अभी तो शुरुआत है, प्रचार भी उतना नहीं हुआ है, किसान में भी इप्स एंड बट्स रहते हैं, लेकिन एकदम से 7 गुना एक ही साल में जंप लगाना, ये हमारे फार्मर्स को सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है. और एक बार सिक्योरिटी का एहसास हो गया तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो वो वैज्ञानिकों के द्वारा कहे हुए प्रयोग करने के लिए तैयार होता है, एक चेन शुरू हो जाती है. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है लैब टू लैंड प्रोसेस को आगे बढ़ाने की. उस दिशा में काम चल रहा है. मैं फिर एक बार डॉक्टर स्वामीनाथन जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ. देश की बहुत सेवा की है, देश के किसानों की बहुत सेवा की है, देश के गरीब के पेट को भरने के लिए एक तपस्वी की तरह काम किया है. बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद.